तो बिहार में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं व लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकाला है। इनकम टैक्स चौराहे से ये मार्च शुरू हुई है जो डीएम ऑफिस तक जाएगी। तो राजद कांग्रेस माले और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। गठबंधन का प्रतिरोध मार्च अब डाक बंगला चौराहे पर पहुंच चुका है। देखिए पीछे तमाम जो समर्थक है, तमाम जो नेता है महागठबंधन के, वो बैरिकेटिंग पर खड़े होकर बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए महागठबंधन के ये बहुत बड़ी प्रतिरोध मार्च आज महागठबंधन के तमाम जो दल हैं उन्होंने निकाला है। कांग्रेस के तमाम लीडर मौजूद हैं, राष्ट्रीय जनता दल और माले के भी लोग मौजूद हैं, लेकिन जो अहम जानकारी निकल कर आ रही है, तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में, इस प्रतिरोध मार्च में उपस्थित नहीं हुए हैं। भोला यादव जो लालू परिवार के करीबी हैं, उनके नेतृत्व में ही प्रतिरोध मार्च निकाला गया और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह और वामपंथी दलों के महबूब आलम इस पूरे प्रतिरोध मार्च को लीड कर रहे हैं। यह प्रतिरोध मार्च अभी डाक बंगला चौराहे पर पहुंची है और यहां से निकलकर डीएम कार्यालय, जो डीएम को ज्ञापन सौंपना है, तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, फिलिस्तीन के झंडा का मसला हो, तमाम मुद्दों पर महागठबंधन सड़कों पर है। और जो उनके समर्थक है, देखिए मुकेश सहनी के भी समर्थक काफी उग्र हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को जेड प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं ग्राउंड जीरो।